क्यों गई थी तुम? कुछ पूछ रहा हूं मैं। उस मनीष गोयनका का फोन आया था मुझे, कह रहे थे कि अपनी बेटी को संभालो, उससे मेरे बेटे। तो आज नैतिक क्या सबक सिखा रहे हैं मिष्टी को? वो अपना सिलेबस याद कर रही है, उसे एग्जाम्स हैं, तो गाना गा के याद करने की कोशिश कर रही है। तो सारी सब जो बैठे हुए हैं वो भी यही बता रहे हैं कि वो जब स्कूल में थे तो किस तरह चीज़ों को याद किया करते थे। वैसे नैतिक को तो अपना स्कूल का डे याद आता ही है उसमें। हाँ, तो नैतिक ने भी बताया कि वो किस तरह याद किया करता था। तो वैसे अगर विशाल से पूछा जाए तो उनके स्कूल डेज में कभी ऐसा हुआ है कि इतना मतलब गाना गा के या रट्टा मारना पड़ा है? नहीं, मैं इतना ज़्यादा किया नहीं करता था। जैसे मैं हमारे आई डोंट नो स्कूल में ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बिकॉज आई डोंट नो, आई थिंक ICSE मैंने किया और उसमें ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, वैसे ये नेक्स्ट सीन की बात की जाए कि इसके अंदर नायरा पे काफ़ी भड़क रहे हैं, तो क्या है मतलब क्यों भड़क? अब नायरा कार्तिक को मिलने गई थी तो हमें पता चला और उस बात को लेकर हम सब काफ़ी नाराज़ हैं। वैसे ये नाराज़गी किस बात की, जब नायरा और कार्तिक की अब जैसे शादी होने ही वाली है? आपको शायद पता नहीं है कि जो हुआ है कार्तिक और जो एक्सीडेंट हुआ है अक्षरा का, तो डाउट पूरा कार्तिक पर जा रहा है और इसकी वजह से पूरा ख़ानदान कार्तिक से बहुत नाराज़ है और नायरा भी उससे नाराज़ है। तो इसलिए जब वो उसे मिलने गई तो हम सबको ऑब्वियसली बहुत बुरा लगा। फिलहाल ये नायरा के कदम से मतलब नैतिक को कितना हर्ट हुआ? बहुत हर्ट हुआ कि वो इस तरह गई और उसकी वजह से फिर मिस्टर गोयनका ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि वो मिलने गई थी और उसे दूर रखें, तो बात काफ़ी बढ़ गई है। थैंक यू।